याद है, ठीक है, ये पहले आ गया है इसका, ठीक है। हम भी तालीम कर रहे हैं, बच्चों को भी करा रहे हैं, मैं साथ साथ अपना धर्म शिक्षा आ जाए। धर्म को भी जब तक हम लोग सनातन को नहीं जानेंगे तब तक ऐसे ही धक्के खाएंगे, ऐसे ही धक्के खाएंगे। हमारा साथ होना चाहिए, लैक होना चाहिए, लैक होना चाहिए, तो नहीं तो नहीं मैं पढ़ूंगा। आप दोनों ये देख लो जी, और ये देख लो, इतने इतने बच्चों को भी शौक दिखाना, शौक हिंदी में बहुत होगा। सनातन धर्म का कोई भी मेरा मित्र है तो हम उसको हाथ जोड़कर विनती करेंगे, ये पढ़े जरूरी, बच्चों को पढ़ाए, बेटियों को, बच्चियों को, ये सबको हमें हमारे सनातन धर्म। राम भाई, शुरुआत करते हैं आज हरचंद भाई से। जय श्री राम। तो अचंद भाई, काफ़ी दिनों के बाद यहाँ बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे तो हम लोग सोच रहे थे कि इन पे जाएं, व्लॉग बनाएं, तो कभी टाइम ही नहीं मिला। हम भी सोच रहे थे और काफ़ी लोग भी कमेंट्स कर रहे थे कि जो आपने स्कूल स्टार्ट किया वो कहाँ तक पहुँचा, ठीक है ना। तो अभी हम आए उसी स्कूल का विजिट करने के लिए, और के पहले जब हम जब ये स्कूल शुरुआत हो रही थी उस वक्त भी आए थे, लेकिन आज जो स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, हम देखेंगे कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरीके से हो रही है पढ़ाई, ठीक है। तो आने जी चलते हैं, और मनीर भाई बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लेके आए हैं ताकि उनका हौसला अफजाई जो है वो होती रहे बच्चों के लिए, ठीक है ना। हम ये भी जाएंगे बच्चों को तकसीम करेंगे, चल रहा है, चल रहा है। तो गाइस, जैसे कहना, ये अभी हम मुनीर नाथ के घर आ चुके हैं, मैं और हरचंद भाई, और उसके बाद जो है इसका नाम है वो गुरु गोरखनाथ सेवा मंडल की तरफ से विद्यालय है ये। तो यहाँ से जो है बच्चे विद्या प्राप्त करते हैं, आप लोग देख सकते हो। तो अभी ये हरचंद भाई पहुँच चुके हैं, जय श्री राम। तो ये देखो जो है बच्चे पढ़ रहे हैं छोटे छोटे, जय श्री राम। राम राम सबको, जय श्री राम। तो ये देख सकते हो ये बच्चे सब पढ़ चल रही है बहुत अच्छे जी, भगवान बच्चों को पढ़ाएंगे। और जैसे हमारा देखें ये बच्चा जो हमारा और बहुत अच्छा, और अपने गोधर राम, और गोधर राम जो बहुत अच्छा प्यारा हमारा जैसे टीचर कहते हैं हम, वो टीचर है। अब शुरुआत की है आज 2-3 दिनों में, आज आपको पता लग जा सकता है। तो जैसे हमारे इस बच्चों को शौक कितना है हमारी, जब हमारी हिंदी पढ़ने में इस बच्चों को शौक कितना है, तो देखें अब हम बैठ के आपको देख, बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, ये देख लीजिए, बहुत इतना। और ये देखो आप ये देख सकते हैं इसकी इतनी उम्र कितनी होगी, आज 3-4 दिनों ये देख लो जी, और ये देख लो, इतने इतने बच्चों को भी शौक दिखाना, शौक हिंदी में बहुत होगा। बैठे बैठे जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जैसे लेने पे बैठे थे वहीं लेने पे बैठ जाए। तो और क्या भाई काम है। हाँ बच्चे, आपका जो सबक याद कराए सबको एक बार आप पढ़े। अनार, अनार, आम, आम, अमली, अमली, ईक, ईक, कुलू, कुलू, उहुन, उहुन, वेल्सी, एडी, एडी, एनक, एन, ओकली, ओकली, औरत, औरत। देखिए जी ये बच्चों का अब जो शौक है, आपको अच्छा लगना चाहिए, इस बच्चों को लैक करना चाहिए, आपको प्यार होना चाहिए। तो आज एक बच्चा नहीं, दूसरे बच्चों को भी हम आपको बुलाएंगे, लाजम सपोर्ट करनी चाहिए। हाँ, तो एक दूसरा बच्चा भी हम उसको बुलाएंगे। और आ जाए भाई, आप इधर आ जाए, आप हम सबसे पहले तो जो यहाँ पर गुरु है हमारे जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी, वो ऐसा लगन लगा भाई, उसने बोला भाई तुम हिंदी पढ़ लो, हिंदी पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा, आपको धर्म के बारे में पता लगेगा, जो गीता भागवत है हमारी उसका पता लगेगा भाई क्या मजहब है, कौन सा है, ठीक है। तो हमने उधर मोबाइल पे हिंदी सीखी थी, मोबाइल पे पढ़ी थी। उधर से गुरुजी एक भेजता था पिक्चर, फिर पीछे वॉइस भेजता था, वॉइस से हम सीख सीख के अब हम हिंदी पढ़ गए, ठीक है। तो हम ये आप लोगों से दुआ करते हैं भाई, सपोर्ट हमको करो, पूरे बच्चे जो हमारे जो हिंदी पढ़ जितने बच्चे पढ़ सके सबको हिंदी पढ़ाना चाहिए। देख लीजिए दोस्तों, ये है हमारा नौजवान जो किया जाए, और हमारे जो बच्चे हैं उनको हिंदी की शिक्षा दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें ये चक 95 बरनैल में इसी श्री हनुमान मंदिर, तो पहले आपने देखा होगा, ये वीडियो में भी देखा होगा, ये कच्चा था, अब भगवान ने कृपा दी और मेरे जो चेयरमैन मंदूर दास साहब ने हमें साथ दिया, और
हमारे भाई नरसिंह नाथ ने बहुत अच्छा साथ दिया। तो सब अभी भी जो देखने वालों और मेरे भाई मेरे दोस्त चाहने वाले, अभी भी मैं यही कहूँगा, जैसे हमारे इस गांव में हमने एक प्यार मोहब्बत देखो बच्चों को शिक्षा देने के लिए किया है, आप जितने भी बैठा है मेरा भाई मेरा मित्र, तो एक मैं हाथ जोड़कर मैं विनती करूँगा, तो जितने भी कोई बैठा है तो हम उधर ये किताबें दे सकते हैं, तो हम उसका साथ भी देंगे। वो जो भी मनीर भाई का ये कहना है कि जो भी पाकिस्तान में हिंदी पढ़ना चाहता है वो इनसे रब्ता करें, रब्ता करें, वो ये किताबें वगैरह जो है सब कुछ देंगे, ये देंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है, और उससे बाद हमारा ये कहना है, तो जिधर भी कोई मेरा हमारा सनातनी धर्म का है, कोई हमारा भील बिरादरी है, मेघवाल बिरादरी है, सनातन धर्म का कोई भी मेरा मित्र है, तो हम उसको हाथ जोड़कर विनती करेंगे ये पढ़े जरूरी, बच्चों को पढ़ाए, बेटियों को बच्चियों को ये सबको हमें हमारे सनातन धर्म का ज्ञान जरूरी आए, ये मेरी हाथ जोड़कर विनती होगी और एक पैगाम होगा, और ये एक हमारे दिल की खुशी है और गुरुदेव का है कि जो जैसे मुझे आदेश है वो मैंने आपको देना है जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई का। अभी मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ और देखो ये खुशी दिल से होनी चाहिए, ये दिल से खुशी होनी चाहिए, ये बच्चे पढ़ रहे हैं तो मेरे को भी ऐसी कोई भगवान की कृपा होगी, श्री हनुमान मंदिर की दुआ होगी, और मैं इनों के साथ पढ़ूंगा और मुझे भी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और अच्छा ऐसे लगेगा आपका साथ होना चाहिए, लैक होना चाहिए, लैक होना चाहिए, तो नहीं तो नहीं मैं पढ़ूंगा। इमली इमली ईख ईख उल्लू उल्लू ऊन ऊन ऋषि ऋषि एड़ी एड़ी ऐनक ऐनक ओखली ओखली औरत औरत अंगूर अंगूर आहा आहा के कबूतर के खरगोश घड़ी छे चम्मच छे छतरी छतरी जे जहाज जहाज जे झरना झरना ने ने ते टमाटर टमाटर ठे ठेरा ठेरा। भाई फ्री में शिक्षा दे रहे हैं भाई, सबसे बड़ी ये बात है, फ्री में हम यही सोचते भाई हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख जाए, अपना कीमती टाइम निकाल कर ये रोजाना आते हैं, कितने टाइम सुबह शाम आते हैं, एक टाइम सुबह शाम आते हैं, सुबह शाम ये देख रहे अपना कीमती टाइम निकाल कर सुबह शाम यहाँ पर आते हैं और बच्चों को जो है पढ़ाई करा रहे हैं, फिर तकसीम करने जा रहा है जो हम लोग कभी साथ में लेके आए हुए थे, तो चलिए जानते हैं किसी एक छोटे से बच्चे से जानते हैं कि उसको कितने सबक आए और वो कितने दिन हो गए उसको पढ़ रहा है। राम राम बिट्टू, जय राम। तो आपको कितने सबक दिए उन्होंने, एक वर का या दो वर के, अभी तक क्या याद किया आपने? एक वर का कौन सा सुनाइए। एनर एम इमली ई को उल्लू ओम रे ऋषि एली एनक ओखली औरत अंगूर। तो गाइस जितने भी यहाँ ये पढ़ने वाले छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, इन सबको जो है तकरीबन एक एक सफ़ा जो है वो समझाया गया, अभी तीन से चार दिन हुए हैं, तो जैसे इन लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आएगी और ये लोग स्कूल आना स्टार्ट होंगे तो सबको जो है, तो अभी हम वहाँ से एक बच्ची से चल के पूछते हैं कि ये ऐसे ही बैठे इन लोगों को पढ़ाते भी हैं। अनार आम ए इमली ए ईख ए उल्लू ए ऊन रे रिची ए एरी ए ऐनक ए उखली ए औरत अंगूर। जय हो, बहुत अच्छा पढ़ा है बच्ची ने, बच्चों को इनका छोटा छोटा सा जो है वो गिफ्ट दे रहे हैं अर्चन भाई, मतलब जो हम लोग लेके आए हुए थे, तो अभी बच्चों से थोड़ा सा इनके अंदर में हौसला होता है, मोटिवेट होता है। तो मनीर नाथ ने जो कहा कि एक तस्वीर बनानी हर मंगल के वार जो है यहाँ मीठा पानी बना के बच्चों को तकसीम किया जाएगा, और थोड़ा सा जो लंगर का भी प्रबंध किया जाएगा, जो मंगल के दिन इन लोगों को यहाँ हनुमान चालीसा जी का पाठ भी सिखाया जाएगा, और मंगल के दिन जो भी दान पुण्य होगा वो करेंगे, मीठे पानी का और शायद चावल का देवड़ा भी हो सकता है छोटा सा, बच्चों में तकसीम किया करेंगे। तो गाइस मुनीर नाथ से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत सनातन धर्म के लिए अच्छे अच्छे काम करता रहता है, तो इनके चैनल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि इनको जो है इनकम हो सके, इनके हालात और ये खुद बहुत गरीब हैं, बाकी दिल के और नेचर के बहुत अमीर हैं। जय श्री कृष्णा गाइस।
लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे अभी तकरीबन शाम का टाइम है, 3-4 बजे का टाइम है और ये अभी पढ़ा रहे हैं, उनसे पूछते हैं। राम राम गोर्धन भाई। तो गोर्धन भाई कितना अर्सा हो गया आपको, मतलब खुद को ये पढ़ाई किए हुए हिंदी सीखे हुए? कम से कम 7 तकरीबन साल हो गया आपको। हाँ। मतलब कि मैं और मुनीर नाथी ना, हमें भी 1 साल हो गया इस स्कूल के लिए जो है टीचर ढूंढने के लिए। हम लोगों ने बिस्मिल्लापुर गए और इधर साट अड्डी पे गए, लेकिन कहीं से जो है ना वो नहीं मुमकिन हो सका। तो आपने जो है यानी कि 1 महीने के अंदर ये हिंदी सीखी है या कुछ ज़्यादा? हम फुल पढ़े हुए 1 साल हो गया, बाकी ऐसे 2 साल हो गया। भाई मैं अमान गया हुआ था, उधर पढ़ता था मोबाइल पे, फ़ोन पे मैंने तालीम की है। तालीम करके फिर इधर आके गुरु जी से शिक्षा ली, पूरी तालीम की, फिर उसने कैदा दिया, किताबें दी और दी, हनुमान चालीसा दिया। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको हिंदी पढ़ना आता है या संस्कृत भाषा है जो उसके बारे में आपको पता है कुछ? हाँ हाँ पता है। तो मतलब जैसे हनुमान चालीसा का पाठ हो गया, ये हनुमान चालीसा है, ये आप किससे भी पूछ सकते हैं भाई ये क्या लिखा है। हनुमान हनुमान, ठीक है, ये हनुमान चालीसा है। ठीक है, ये इसका पहला, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान कपीस तीन लोग उजागर। ठीक है, ये पहले अध्याय है इसका। ठीक है, हम भी तालीम कर रहे हैं, बच्चों को भी करा रहे हैं, भी साथ साथ अपना धर्म शिक्षा आ जाए। जब तक हम लोग सनातन को नहीं जानेंगे तब तक ऐसे ही धक्के खाएंगे, ऐसे धक्के खाएंगे, हमारा कोई तरक्की नहीं हो सकती। हमें कुछ वो क्या कहते हैं, जैसे हमारा कौम की तरक्की सिर्फ होने का एक ही राज है, वो है हिंदी तालीम करना। हमारी जो गीता भागवत है उसको तालीम करना, जो हमको पूरा जो 300 इधर घर है, पूरा 300 घर है हमारे भीलों का, उसको किसी को नहीं पता भाई गीता भागवत का कैसे है कैसे। जो ये बच्चे हैं तो दिल से पढ़ रहे हैं, तो इसको 2-3 दिन में काफ़ी याद हो गया है, पढ़ जाते हैं। तो गाइस अभी ना फिलहाल इनका सिस्टम जो है वो राम मंदिर की तरफ ही होगा, तो अभी तो धीरे धीरे जो है यहाँ से ये हनुमान मंदिर जो है मुनीर नाथ जी का है, तो यहाँ बच्चों को जो है रोज़ शाम के टाइम जो है पढ़ाया जाता है, क्योंकि सुबह यहाँ ये सब बच्चे, इनमें से काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मतलब गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं। तो ये देख सकते हो गाइस कितने भी बच्चे हैं, और अभी ये लोग 1/2 घंटे से 1 घंटे तक पढ़ते हैं और फिर जो है वो घर को जाके अपने काम काज करते हैं और खेलते हैं। तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये टीचर जो है घर में ही मिल गया इन लोगों को, तो अब ले जाने की कोई दिक्कत नहीं है और फीस वगैरह भी कुछ नहीं है। भाई ने कहा कि मैंने फ्री शिक्षा ली है तो मैं भी फ्री शिक्षा ही बांटूँगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब बच्चे को घर वालों को भी इतना तो होना चाहिए कि वो इन लोगों को पढ़ाने के लिए रोज़ शाम को जो है भेज सकें, उनमें फ़ायदा उनका ही है सिर्फ।